हेलो फ्रेंड्स, डीएलके बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन टीचिंग क्लास का बेनिफिट हो। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी वॉच करें, जिससे टॉपिक का प्रत्येक अंश आपके समझ में आए। आज हम बात करेंगे परमेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पारगम्यता व विलयन के प्रकार। आज हम पारगम्यता और विलयन के प्रकारों की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पूर्व की वीडियो में हमने परासरण के बारे में बात किया था और आज हम बात कर रहे भी परमेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे परमेबिलिटी, पारगम्यता। पारगम्यता वह क्रिया है जिसमें पदार्थों के अणु, परमाणु या आयन कला के से अभिगमित होते हैं या अभिगमित नहीं होते हैं। तो पारगम्यता एक ऐसी क्रिया है जिसमें पदार्थों के अणु, परमाणु व आयनों का अभिगमन होता है या नहीं होता है, उसे ही हम पारगम्यता या परमेबिलिटी कहते हैं। तो वह क्रिया जिसमें पदार्थों के अणु, परमाणु, आयन, झिल्ली या कला के आर पार अभिगमित होते हैं या नहीं होते हैं, उसे पारगम्यता या कला पारगम्यता कहते हैं या कहलाती है। तो पारगम्यता एक ऐसी क्रिया है जिसमें पदार्थों के अणु, परमाणु, आयन कला के आर पार अभिगमित होते हैं या नहीं होते हैं। और पारगम्यता के आधार पर चार प्रकार की झिल्लियां हैं। तो पारगम्यता के आधार पर चार प्रकार की कलाएं या मेम्ब्रेन्स होती है। चार प्रकार की कलाएं कौन कौन सी है तो वो अपन बात करें। तो देखिए, परमेबल मेम्ब्रेन, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो पारगम्यता के आधार पर चार प्रकार की कलाएं हैं, पारगम्य कला। सबसे पहले अपन बात करें पारगम्य या परमेबल मेम्ब्रेन, वह कला जो विलय व विलायक दोनों के लिए पारगम्य हो, ऐसी कला को अपन परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। तो कोशिकाओं के चारों ओर उपस्थित ऐसी कला जो विलायक और विलेय दोनों प्रकार के अणुओं का अभिगमन करती है, ऐसी कला को पारगम्य कला कहते हैं।
और देखिए यहां पर देखें तो मान लीजिए ये कला है और ये विलायक के अणु है और ये मिले के अणु है। तो देखिए ये इस तरीके की शेप में अपन ने विलायक के अणु बात किए हैं और इस तरीके की शेप में अपन ने विलेय के अणु बात किए और ये मेम्ब्रेन है, ये कला है। इस कला से विलायक के अणु का भी अभिगमन हो रहा है, इसी तरीके से विलेय के अणु का भी अभिगमन हो रहा है, फिर विलायक के अणु और विलेय के अणु। तो कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाली या ऐसी कलाएं जो विलेय और विलायक दोनों के अणुओं का अभिगमन करती है, ऐसी कला को परमेबल मेम्ब्रेन या पारगम्य कला कहते हैं। तो इस कला से विलायक और विलेय दोनों के अणु अभिगमित हो रहे हैं, इसलिए इसे हम कौन सी कला कहेंगे भी, पारगम्य कला कहेंगे। और पारगम्य कला के एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति, तो प्लांट कोशिकाओं या जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाली सेल वॉल जो है वो एक पारगम्य कला है जो विलायक के साथ साथ विलेय के अणुओं का भी परिवहन करती है या अभिगमन करती है। और फिल्टर पेपर भी एक तरीके से क्या है भी, पारगम्य कला है। दूसरी अपन बात करें भी इम्प्रेमेबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य कला, इम्प्रेमेबल मेम्ब्रेन या अपारगम्य कला, कोशिकाओं के चारों ओर या ऐसी कला जो विलेय व विलायक दोनों के अणुओं के लिए अपारगम्य हो, ऐसी कला को हम क्या कहेंगे भी, अपारगम्य कला कहेंगे। तो कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाली ऐसी कलाएं या ऐसी झिल्लियां जो विलेय व विलायक दोनों के अणुओं का अभिगमन नहीं करती है क्या कहलाती भी, अपारगम्य कला कहलाती है या इम्प्रेमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और देखिए ये अपनी कला है इम्प्रेमेबल मेम्ब्रेन, ये विलायक के अणु है, ये विलेय के अणु है और किसी का भी अभिगमन दूसरी ओर नहीं हो रहा है। तो कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली ऐसी कला जो विलायक व विलेय दोनों के अणुओं का अभिगमन नहीं करती है क्या कहलाते भी, अपारगम्य कला कहलाती है। और अपारगम्य कला के यदि अपन एग्जाम्पल देखें तो जाइलम वाहिकाओं व वाहिनियों में सेल वॉल पर सुबेरिन या लिग्निन का निक्षेपण हो जाता है, तब सेल वॉल जो है अपारगम्य कला में बदल जाती है। तो सुबेरिनीकृत या लिग्नीकृत सेल वॉल क्यूटिकल व मोम की परत एक प्रकार की अपारगम्य कला है। तो जब जाइलम वाहिकाओं व वाहिनियों में लिग्निन व सुबेरिन का निक्षेपण हो जाता है तो सेल वॉल जो कि पहले एक पारगम्य कला की रूप में थी और लिग्निन व सुबेरिन का निक्षेपण होने के पश्चात वह एक अपार
पारगम्य कला में बदल जाती है और मरुस्थलीय पादपों में जीरोफाइटिक प्लांट्स में या जीरोफाइट्स में अधिचर्म या एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल परत पाई जाती है जो क्यूटीन की बनी होती है जो कि एक अपारगम्य कला है। इसी प्रकार जेट्रोपा कर्कस जिसे हम देसी आग कहते हैं पर भी मोम की परत पाई जाती है जो एक अपारगम्य कला है। तो कोशिकाओं के चारों ओर या ऐसी झिल्लियां जो विलायक व विलेय दोनों के अणुओं के लिए अपारगम्य हो ऐसी कला को इम्प्रेमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके एग्जाम्पल क्यूटिकल या मोम की परत या लिग्निकृत सेल वॉल है। चलिए थर्ड प्रकार पर बात करें सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य कला। तो सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य कला कोशिकाओं के चारों ओर या ऐसी झिल्लियां जो विलायक के अणु के लिए पारगम्य हो किंतु विलेय के अणु के लिए अपारगम्य हो ऐसी कला को हम अर्ध पारगम्य या सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। तो देखिए भी वह कला जो विलेय के लिए अपारगम्य व विलायक के लिए पारगम्य हो उसे हम सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और देखिए ये कला है मान लीजिए इसमें ये विलेय के अणु है और ये विलायक के अणु है और ये हमने बताया भी कि विलेय के अणु और विलायक के अणु। तो देखिए यहां से विलायक के अणु का अभिगमन हो गया विलायक के अणु का अभिगमन हो गया परंतु विलेय के अणु का अभिगमन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कला को हम इम्प्रिमेबल सेमी इम्प्रिमेबल मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। तो कोशिकाओं के चारों ओर या फिर ऐसी कलाएं जो विलायक के अणु के लिए पारगम्य हो किंतु विलेय के अणु के लिए अपारगम्य हो ऐसी कला को हम सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य कला कहते हैं। और अर्ध पारगम्य कला के यदि अपन एग्जाम्पल बात करें तो चर्म पत्र यानी संपूर्ण जो चमड़ा है वो पार्चमेंट पेपर गोट ब्लेडर बकरे का जो मूत्राशय है वो सेलोफेन और कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्लियां ये सभी कृत्रिम झिल्लियां हैं चर्म पत्र और गॉट ब्लेडर को छोड़कर। तो ये सभी अर्ध पारगम्य कला के रूप में कार्य करती है। तो अर्ध पारगम्य एक ऐसी कला है जिसमें विलायक के अणु का तो अभिगमन हो जाता है किंतु विलेय के अणु का अभिगमन नहीं होता है ऐसी कला को हम अर्ध पारगम्य कला कहते हैं। और अर्ध पारगम्य कला के जो एग्जाम्पल है वो है चर्म पत्र पार्चमेंट पेपर गोट ब्लेडर सेलोफेन कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्लियां ये ऐसी झिल्लियां हैं जो विलायक के अणु का अभिगमन कर देती है किंतु विलेय के अणु का अभिगमन नहीं करती है।
तो अर्ध पारगम्य कला एक ऐसी कला है जो विलायक के अणु का अभिगमन करती है और विलेय के अणु का अभिगमन नहीं करती है। चलिए फोर्थ पार जो कला है उसकी अपन बात करें तो वो है भी सिलेक्टिव प्रिमेबल मेम्ब्रेन, वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य कला, कोशिकाओं या ऐसी झिल्लियां जो विलायक के अणु के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के विलेय अणु का भी अभिगमन करती है, ऐसी कला को हम चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य कला कहते हैं। तो भी वह कला जो विलायक के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के विलेय अणु के लिए भी पारगम्य हो, ऐसी कला को हम चयनात्मक पारगम्य कला कहते हैं। और देखिए ये है अपनी कला या मेम्ब्रेन और ये है इसमें विलायक, ये है इसमें विलेय और ये भी है विलेय, ये विलेय विशेष प्रकार के हैं। तो देखिए भी यहां विलायक के अणु का अभिगमन हो गया, इस विलेय के अणु का अभिगमन नहीं हुआ, ये विलायक के अणु का अभिगमन हो गया, ये विशेष प्रकार का विलेय के अणु का अभिगमन हो गया और इस विलेय के अणु का अभिगमन नहीं हुआ। तो चयनात्मक पारगम्य कला एक ऐसी कला है जो विलायक के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के विलेय के अणु का अभिगमन करती है, सभी प्रकार के विलेय के अणु का अभिगमन नहीं करती है। तो चयनात्मक पारगम्य कला विलयन में से कुछ विलेय अणु का चयन करती है कि इन्हें मुझे अभिगमित करवाना है और कुछ जो चयनात्मक श्रेणी में या विशेष श्रेणी में नहीं आते हैं उनका अभिगमन ये नहीं करवाती है। तो चयनात्मक पारगम्य कला एक ऐसी कला है जो विलयन में से विलायक के अणुओं के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के विलेय अणुओं का अभिगमन कर देती है, ऐसी झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य कला या वर्णात्मक पारगम्य कला कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक पारगम्य कला है। इसके अलावा जितने भी कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है, इनके चारों ओर जो कलाएं पाई जाती है वो भी चयनात्मक पारगम्य कला है। और रिक्तिका के चारों ओर पाए जाने वाली टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है वो भी एक चयनात्मक पारगम्य कला है। तो भी चयनात्मक पारगम्य कला एक ऐसी कला है जो विलायक के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के विलेय अणु का भी अभिगमन करवाती है। और एग्जाम्पल के रूप में सेल वॉल, कोशिकांगों की झिल्लियां और रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित टोनोप्लास्ट एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो ये थी भी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के आधार पर चार प्रकार की झिल्लियां, अ पारगम्य कला,
पारगम्य कला, अर्ध पारगम्य कला और चयनात्मक पारगम्य कला। अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विलयन के प्रकार, और विलयन के तीन प्रकार है, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन या समपरासरी विलयन, नाम से पता लग रहा है समपरासरी यानी समान परासरण सांद्रता, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। बाहरी विलयन की सांद्रता बराबर कोशिका द्रव्य व कोशिका रस की सांद्रता। जब किसी कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखते हैं जिसकी प्रासरण सांद्रता कोशिका रस व कोशिका द्रव्य की प्रासरण सांद्रता के बराबर हो, तो ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। तो देखिए भी, जब बाहरी विलयन की प्रासरण सांद्रता और कोशिका रस व कोशिका द्रव्य की प्रासरण सांद्रता बराबर हो, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे भी समपरासरी विलयन। और देखिए, ये एक बीकर है और इस बीकर में एक विलयन भरा हुआ है और इसके अंदर एक ये कोशिका रखी हुई है। इस कोशिका में ये कोशिका द्रव्य की सांद्रता है, ये कोशिका रस की सांद्रता है। तो कोशिका द्रव्य और कोशिका रस, रिक्तिका के अंदर भरे हुए रस को अपन क्या कहेंगे कि कोशिका रस, और कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव को क्या कहेंगे कि कोशिका द्रव्य। तो देखिए, इस जो विलयन है बीकर में भरा हुआ, ये बाहरी विलयन है और इसकी प्रासरण सांद्रता है भी 20%। इसी प्रकार कोशिका द्रव्य और कोशिका रस की प्रासरण सांद्रता भी कितनी है, भी 20%। तो हमने क्या कहा कि आइसोटॉनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब किसी कोशिका को ऐसे विलयन उसके कोशिका द्रव्य व कोशिका रस की सांद्रता के बराबर परासरण सांद्रता हो, तो बाहरी विलयन की परासरण सांद्रता 20% और कोशिका द्रव्य व कोशिका रस की परासरण सांद्रता भी कितनी भी 20%, दोनों की बराबर है, तो ऐसे विलयन को, ऐसे इस बाहरी विलयन को क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन। और समपरासरी विलयन में कोशिका में परासरण की क्रिया नहीं होगी, न अंतःपरासरण होगा और न ही बहिःपरासरण होगा, तो परासरण नहीं होता है। आगे अपन बात करें हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन या न्यून परासरणी, अधो परासरणी या अल्प परासरी विलयन। तो हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन या न्यून परासरी, अल्प परासरी या अधो परासरी विलयन, जब बाहरी विलयन की सांद्रता कम हो और कोशिका द्रव्य व कोशिका रस की सांद्रता अधिक हो। तो जब किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए कि कोशिका द्रव्य व कोशिका रस की प्रासरण सांद्रता बाहरी विलयन की तुलना में अधिक हो, तो उसे हम हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए भी, बाहरी विलयन की सांद्रता कम है
कोशिका द्रव्य में कोशिका रस की प्रासन सांद्रता अधिक है। देखिए ये बीकर है, इस बीकर में ये एक बाहरी विलयन भरा हुआ है, इसकी प्रासन सांद्रता है भी 5%। तो बाहरी विलयन की प्रासन सांद्रता कितने भी 5%, जो बहुत कम है यानी अल्प प्रासनीय है। यह है कोशिका, यह है कोशिका रस और यह है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में कोशिका रस की सांद्रता है भी 40%, जो बहुत अधिक है। तो बाहरी विलयन की प्रासन सांद्रता कम है और कोशिका द्रव्य में कोशिका रस की प्रासन सांद्रता अधिक है, तो प्रासन की क्रिया यहां होगी। और कौन सा प्रासन होगा? हम जानते हैं कि प्रासन जो है में प्रासन की क्रिया में विलायक के अणु विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अभिगमित होते हैं। तो इसमें जल के अणु प्रवेश करेंगे इस कोशिका में और इसे हम क्या कहेंगे भी, अंतःपरासरण। तो जब किसी कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कोशिका में अंतःपरासरण होता है जिससे कोशिका फूल जाती है। तीसरा विलयन पर बात करें भी, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन अति परासरी विलयन। जब किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें बाहरी विलयन की परासन सांद्रता बहुत अधिक है और कोशिका रस व कोशिका द्रव्य की प्रासन सांद्रता बहुत कम है, तो ऐसे विलयन को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन या अति परासरी विलयन कहते हैं। और देखिए बाहरी विलयन की प्रासन सांद्रता या सांद्रता अधिक है, कोशिका द्रव्य व कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में, देखिए ये अधिक है। और यहां पर बात करें, ये बीकर है और इस बीकर में ये बाहरी विलयन है जिसकी बाहरी विलयन की सांद्रता है 60%। ये कोशिका है, कोशिका में ये कोशिका द्रव्य है और ये रिक्तिका है, रिक्तिका में ये कोशिका रस है और कोशिका द्रव्य व कोशिका रस की जो सांद्रता है वो 10% है। तो इसकी सांद्रता है 10%। बाहरी विलयन की प्रासन सांद्रता अधिक है और कोशिका द्रव्य में कोशिका रस की प्रासन सांद्रता कम है, तो ऐसे विलयन को अपन क्या कहेंगे, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और इस प्रकार के विलयन में जब कोशिका को रखते हैं तो वही परासरण की क्रिया होती है जिससे कोशिका पिचक जाती है। तो जब किसी जीवित कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के अंदर उपस्थित जल बाहर विलयन में अभिगमित हो जाता है जिसे वही परासरण कहते हैं और कोशिका पिचक जाती है। तो देखिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि परासरण की क्रिया में विलायक के अणु स्वयं की या विलयन की जो है विलयन की सांद्रता की जो है वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अभिगमित होते हैं विलयन की। और यदि विलायक की बात करें तो विलायक की स्वयं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमित होते हैं। तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में बाहरी विलयन की प्रासन सांद्रता अधिक होती है और कोशिका रस व कोशिका द्रव्य
कि प्राशन सांद्रता कम होती है और इस विलयन में अति पराश्रय विलयन में कोशिका को रखते हैं तो वही पराशन की क्रिया होती है। तो ये था भी आज का अपना टॉपिक प्रमेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें प्रमेबिलिटी के आधार पर चार प्रकार की झिल्लियां हैं, पारगम्य कला, अपारगम्य कला, अर्ध पारगम्य कला, चयनात्मक पारगम्य कला। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विलयन के तीन प्रकार हैं, समपराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन। समपराशरी विलयन में पराशरण नहीं होता है, अल्प पराशरी विलयन में अंतःपराशरण होता है, और जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं तो वही पराशरण होता है। तो ये था भी आज का टॉपिक पारगम्यता व विलयन के प्रकार। जय हिंद, जय भारत। ओके फ्रेंड्स।